नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे लठतंत्र के आगे कमजोर होते लोकतंत्र की। पंचायत चुनाव का पहला चरण हाल ही में बीता है और इस पहले चरण के दौरान कुछ हिंसक घटनाएं सामने आई, जिससे हमने आपको रूबरू भी करवाया, लेकिन चुनाव बाद भी ये हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए रिपोर्ट। सूबे में सत्ता की महाभारत में विजय की खातिर शाम दाम दंड भेद के बाद अब मौत का खूनी खेल खेला जा रहा है। तमंचे के नोक पर छोटी खून से सींची जा रही है। रसूख के रौब के आगे सरकार लाचार दिखती है। गन कल्चर के आगे पुलिस भी पस्त दिख रही है। पंचायत चुनाव में हार और जीत के बाद अब मौत का खेल हावी है। ये कहानी केवल पहले चरण की है, अभी दो चरण के मतदान और नतीजे बाकी हैं। चीन में नवनिर्वाचित सरपंच की गोली मारकर हत्या। हारे हुए प्रत्याशी ने विजयी प्रत्याशी को मौत के घाट उतारा। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे ने की गोलीबारी।
एक्चुअल क्या है कि ये जो भाजपा के नेता हैं जी। ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, ये झूठे दावे कर रहे थे। मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा कि भाजपा के बहुत सारे जीते, जबकि ये झूठ है। ज्यादा कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के हरियाणा प्रदेश में सरपंच जीते हैं। आज भाजपा पार्टी का जो इनका विजय रथ था वो रुका पड़ा है। लोग इनसे नाराज हैं, खफा हैं। इसके जीते जागते उदाहरण हैं, दिल्ली में सबसे पहले ये लोग हारे, उसके बाद में ये लोग बिहार में हारे, अभी ताजा ताजा परसों परले रोज महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, वहां ये हारे, अब ये इनमें भी हार रहे हैं। ये असली चीज को नहीं पहचान रहे कि जो इन्होंने वादे किए थे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ठीक ने है। और हाँ हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार ने, ठीक है। कोई वादे इनके पूरे नहीं पवन हो सैनी रहे। साहब हमारे साथ फोनलाइन पे हैं, उनसे हम जवाब लेते हैं। पवन सैनी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूँ। बीजेपी के विधायक आप हैं और एक जिम्मेदार नेता भी हैं। ये जो बदलाव पंचायत चुनाव में किए गए थे, उन बदलावों का असर तो हम नहीं देख पा रहे हैं सर। आपसे उस वक्त भी मेरी बात हुई थी, मुझे याद है, जब पहले चरण का मतदान हो रहा था और हिंसक घटनाएं सामने आई थी। आपने कहा कि थोड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन किसी का कत्ल कर देना कोई साधारण बात नहीं है। जींद में नवनिर्वाचित सरपंच की हत्या कर दी जाती है निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा। वहीं रविंद्रजीत सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, आप ही के पार्टी के सांसद हैं, उनके भतीजे द्वारा गोलीबारी की जाती है चुनाव में हारने के बाद। क्या कहेंगे आप, क्या यही है बदलाव? देखिए, मैं सबसे पहले तो हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, सैनी नरेंद्र साहब, मोदी जी आप की सवाल का मनोहर लाल जवाब जी, दीजिए सर। सुनिए मेरी, आप सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप आभार मत व्यक्त कीजिए। मैं आपकी जिसका बात कत्ल सुनाता हूँ, हुआ मैं है उसके आपकी परिवार बात को आप सुनाता क्या हूँ। कहेंगे? मैं हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो है ना पंच सरपंच उन निर्वाचित बदमाशों करने का के काम लिए, किया। उन सुनिए, बदमाशों के मैं लिए, बता उन रहा हूँ भाई हत्यारों साहब, के मैं लिए, बता रहा हूँ, उनका भी क्या आप आभार व्यक्त सुनिए करते सुनिए हैं? मेरी बात। ये जो पवन अभी सैनी तक साहब, बातों को घटनाएं घुमाइए हुई मत। है, आप सीधे सवाल का ये सीधा जो, जवाब दें। सुनिए, आपको जनता सुन रही है, इधर उधर की बात ना करें। ये जो घटनाएं हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन आप पिछले रिकॉर्ड देखना उठा करके, पहले बहुत इस प्रकार की घटनाएं निंदनीय हुआ अरे करती थी, सैनी साहब, आप लेकिन आंकड़ों पे क्यों जा रहे हैं सर? आप आंकड़ों पर क्यों जा रहे हैं? आपकी सरकार सूबे के अंदर है, बहुमत के साथ है, आपके पास भाई इफ एंड बट का आप कोई भी, बात आप नहीं होती लोग है। सुनो, सुरक्षा आपके आप लोग जिम्मे आगे है, ही पे, पंचायत चुनाव सुनो, को आप लोग सुरक्षित आगे ही तरीके से पे, कराना आपकी जिम्मेदारी थी। इस तरह की घटनाएं होती है तो आप अकाउंटेबल क्यों नहीं होते हैं? आप क्योंकि जिम्मेदारी क्यों लोगों नहीं को लेते हजम हैं? नहीं हो रही सरकार। आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लो ना, पहले ज्यादा इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती थी, अब की बार बड़ी कम है, लेकिन जो हुई है वो निंदनीय है। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी सब भी मुस्तैदी से काम किया है, और ये जो है ना, जिन्होंने भी ऐसे प्रकार के काम किए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी बात तो मैं कहना चाहता हूँ, विपक्षी लोगों के पास, विपक्षी पार्टियों के पास ठीक है, कोई वो मुद्दा नहीं हम है, लोग सियासी वो इसको पहलू पर हजम नहीं नहीं आ कर रहे। पा पवन रहे। सैनी जी, हमने आपको इसलिए फोन किया और आपसे इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि आप एक जिम्मेदाराना बयान दें, उसका जवाब दें। अगर बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारा, जिम्मेदारी को देखिए कबूल करें। मैं ठीक है, मैं जिम्मेदारा बयान वापस दे रहा आपके हूँ। पास लौट रहा हूँ सर। आप बहस में बने रहिए हमारे साथ, वापस हम आएंगे। ललित नागर जी भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, जिन लूपहोल्स की चर्चा आप कर रहे थे कि असला कहाँ से पहुंच जाता है, वो जो बारीकियां हैं जिनका जिक्र आपने किया और जिनके चलते घटनाएं हो जाती हैं या आसानी से हो जाती हैं, सब सर्वोपरि है कानून, कानून का राज है। अगर अपराधियों में जो हत्यारे हैं उनमें कानून का खौफ नहीं होगा तो फिर ऐसे मामले तो बढ़ते चले जाएंगे। और एक बुनियादी सवाल ये भी, उनमें कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? देखिए, सरकार तो निश्चित रूप से जिम्मेदार है। बेहतर होता ये कि हरियाणा में जो डीजीपी का रैंक है, डीजीपी पुलिसिंग तो होते ही हैं, उसके अलावा अलग अलग ब्रांचेज के भी डीजीपी होते हैं। अगर आप चार डीजीपी की ड्यूटी लगा दें, चार कमिश्नरेट हैं गुड़गांव में, हरियाणा में, एक डीजीपी एक कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था का की मॉनिटरिंग करे, जब डीजीपी रैंक का अधिकारी कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगा, खास तौर पे इस तरह के चुनाव में, तो काफी नियंत्रण होगा। इस समय छोड़ दिया जाता है केवल जिला मुख्यालय पर एसपी लेवल के अधिकारी पर, तो एसपी ऐसा नहीं, कोई एसपी भी योग्य हैं, वो भी करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जिस समय डीजीपी लेवल का एक वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ में जुड़ जाएगा तो उनके अनुभव का लाभ एक एसपी लेवल के कनिष्ठ अधिकारी को मिलेगा, तो और बेहतर कानून व्यवस्था हो सकेगी। जबकि वो जो डीजीपी हैं और ब्रांचेज के, क्षमा कीजिएगा, वो फ्री बैठे हैं, कोई खास काम नहीं है उनके पास।
ठीक है, इस पर हम जवाब लेते हैं पवन सैनी जी से, लेकिन ललित नागर जी जो बातें पवन सैनी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले से काफी कमी आई है ऐसी वारदातों में, पहले तो गुंडा राज था, उनका कहने का मतलब ये है। मैं इस बात की इनकी निंदा करता हूँ। हाँ। ये आज एक जिम्मेदार पद पे हैं। हाँ। इनको ये नहीं कहना चाहिए कि आज कम हुआ है। कभी भी सेम डे इस तरह से मर्डर नहीं हुआ जिस तरह से जींद में हुआ है। कभी ये बता दें पहले कभी ऐसा हुआ हो तो, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पहले ज्यादा होते थे आज तो कम हुए हैं। आज भी चाहते हैं कि भाई ज्यादा हो। और जैसे राव इंद्रजीत सिंह एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भतीजे ने रात भर गोलियां चलाई हैं, पत्थर बरसाए, दहशत का माहौल पैदा किया है। ऐसे कभी भी किसी भी केंद्रीय मंत्री या मंत्री के बेटे ने उनने कभी ऐसा नहीं किया जैसा आज हो रहा है नंगा नाच। इनको प्रशासन के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, ये जो गलत काम हो रहे हैं इस पर लगाम लगानी चाहिए और प्रशासन सख्त करना चाहिए। सनी साहब आप सुन रहे होंगे जो बातें मुकेश जी ने कही हैं, उसको भी आपने सुना होगा, बिना राजनीतिक रसूख के या बिना राजनीतिक समर्थन के क्या ऐसा कोई कर पाएगा क्या सूबे के अंदर? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा पवन सैनी जी। हेलो जी पवन जी। हेलो पवन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही लग रहा है, एक बार फिर से हम जुड़ेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन ललित नागर जी आप बने रहिए हमारे साथ, मुकेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक जो सवाल मैंने पवन सैनी जी से किया वो सवाल कई मायनों में अहम है, क्योंकि कहीं पर भी राजनीति अगर जुड़ जाती है तो फिर उस अर्थ का संदर्भ भी बदल जाता है, क्योंकि कई मामले पूर्व में भी सामने आए, ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार हो रहा हो, इससे पहले भी हमने देखा है कि राजनीतिक रसूख वाले लोग या उनसे संबंधित लोग जो है वो इस तरह की वारदातें कर देते हैं, लेकिन क्या उन पर उचित कार्रवाई होती है ये भी सोचने वाली बात है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं इसी मुद्दे के साथ, बड़ी खबर में चल दूंगा हाजिर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सौंधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। 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 ਅਵਲ ਐਕਸੀਅਲ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੋ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇ ਸੈਟ ਟੌਪ ਬਾਕਸ ਲਗਾਈਏ। ਕਿਉਂ? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, 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 सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए। सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी 10 करोड़ लोगों की पसंद, इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की
कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 ਅਵਲ ਐਕਸੀਅਲ। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर सवाल के साथ हाजिर हैं कि लोकतंत्र पर लटतंत्र क्यों हावी हो रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट मुकेश शर्मा जी इस वक्त स्टूडियो में हैं। ललित नागर कांग्रेस विधायक इस वक्त फोनलाइन पे हैं। मुकेश जी, जो आपने कमियां बताई कि प्रशासनिक स्तर पर ही निगरानी की कमी है, मॉनिटरिंग की कमी है, कुछ अधिकारी जो हैं वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं या वो लोग खाली बैठे हुए हैं जैसा कि आपका कहना है, ये तो कमियों की बात है। लेकिन अगर इसके दूसरे एस्पेक्ट को समझें, दूसरे पहलू को समझें, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन उनका होता है और उतनी हिम्मत कानून को चुनौती देने की वो कहीं ना कहीं उनमें राजनीतिक रसूख के चलते ही आती है। और सत्ता पर जो आसीन लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्हें जो जनता के नुमाइंदे हैं, वो क्या उस ओर कोई कोई कठोर कदम उठाते नजर आते हैं क्या? क्या ऐसा कोई कठोर जवाब? पवन सैनी साहब तो जवाब दे नहीं रहे थे। मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं, जैसा कि आपने कहा सरकारी अधिकारी वो खाली नहीं है, उन्हें काम नहीं दिया गया, बड़े ऊंचे पद पर हैं, उन्हें उस ऐसा काम नहीं दिया गया कि जिसमें वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर सके। अब अगर वो अधिकारी डीजीपी एडिशनल डीजीपी रैंक के हैं और आप उनका भी कुछ सहयोग ले लें इस तरह के चुनाव में, तो उनका जो अनुभव है उसका लाभ राज्य को मिलेगा और वो बेहतर तरीके से, चूंकि वो इससे पहले डीआईजी भी रह चुके हैं, जिले के एसपी भी रह चुके हैं, वो उन्हें इन सब चीजों का को लेकर एक अनुभव है उनके पास, तो वो इसे और बेहतर तरीके से परफॉर्म करा सकते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए, ठीक है, और उनकी मॉनिटरिंग में देखरेख में अगर ये चुनाव हो। और एक ये जो लाइसेंस वाले हथियार हैं ये आम जनता से तो जमा करा लिए जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो रसूखदार लोग हैं वो ये जमा नहीं कराते हैं एसपी कार्यालय में, तो इसकी इसको लेकर कुछ ना कुछ कार्यवाही होनी चाहिए। जरूरी है, जरूरी है। अगर ये चीज मालूम है, अगर ये चीज पता है कि जो राजनीतिक, और खास तौर पर अगर लाइसेंसी हथियार से कोई वारदात हो गई है, हाँ, तो तुरंत कुछ ना कुछ कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता में संदेश जाए। ठीक है, बलवान सिंह दौलतपुरिया हमारे साथ इनेलो विधायक इस वक्त लाइन पे हैं। बलवान सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। बलवान सिंह जी, आपका क्या कुछ कहना है? पंचायत चुनाव में हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जींद से भी मामला सामने आता है, रेवाड़ी से भी मामला सामने आता है, नवनिर्वाचित सरपंच की हत्या कर दी जाती है सरेआम। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या प्रशासनिक फेल्योर है या सरकार जो कोशिशें कर रही थी पंचायत चुनाव को शुद्ध करने की वो शुद्ध नहीं हो पा रही? तो चुनाव से पहले भी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था हरियाणा में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, हाँ। लेकिन जब चुनाव घोषणा हो जाती है तो प्रशासन को जितने भी हथियारबंद लोग हैं उन सभी से हथियार जमा करवाने चाहिए, हाँ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कुछ प्रभावशाली लोग हथियार जमा नहीं करवाते। एक तो वो कहीं ना कहीं खतरा बने रहते हैं और दूसरे कई लोग जो नजायज हथियार लिए घूमते हैं, पुलिस को अपने हिसाब से थोड़ी सर्चिंग करनी चाहिए कि नजायज हथियार हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, उन लोगों पर निगाह रखनी चाहिए ताकि वो कहीं वारदात ना कर पाए। जो लोग हथियार रखते हैं हरियाणा में, बलवान सिंह जी, वो लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख वाले लोग होते हैं, उनका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, उनका फायदा उनको मिल जाता है, तो ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखने की क्या जरूरत नहीं है या इस ओर अनदेखी की गई है? इस बार इनकी अनदेखी की गई, पॉलिटिकल लोगों का संरक्षण प्राप्त वो भी नहीं मिलना चाहिए,
उन लोगों को नंगा करना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दे रहा है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस बार प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ था और सरकार नाम की कोई हरियाणा में ठीक नहीं है। मैं जवाब लूंगा इस पर पवन सैनी साहब का। पवन सैनी जी क्या कहेंगे आप? जी पवन सैनी जी बताएं। चलिए लगता है कुछ डिस्टर्बेंस है, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ ललित नागर साहब फोन लाइन पे हैं। ललित जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, संपर्क उनसे टूट गया हमारा। लेकिन मुकेश जी हम पॉइंट पर लौटे हैं और चूंकि आखिरी सेगमेंट है, सवाल हमने कई सारे उठाए थे। सवाल ये भी था कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने का जो दावा किया गया था वो बेमानी साबित लगता नजर आ रहा है। पहला चरण तो बीत गया, आगामी दो चरण और हैं। अब किस पर ध्यान रखना है सरकार को, प्रशासन को, ताकि इसमें इस तरह की अप्रिय घटनाएं ना हो? इसमें मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि एक तो ये जो शराब की अवैध बिक्री है इसको रोकना बहुत जरूरी है। उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी है। लेकिन आज भी अगर गांव में आप पता करेंगे तो आपको समाचार मिलेगा कि वहां फला मोहल्ले में शराब बट गई। कैसे बट गई, अवैध शराब आ कैसे गई और बट कैसे गई? उसके अलावा नकदी बांट देना, नकदी बांट देना को लेकर तो ऐसे लगता है जैसे प्रशासन की कोई ड्यूटी ही नहीं है। इन चीजों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जहां से भी अगर छोटी सी भी शिकायत मिले तो वहां पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा जो लाइसेंस वाले हथियार हैं वो चाहे एक आम आदमी के पास है और या किसी विधायक सांसद के पास है, वो जमा होने चाहिए इस समय। तो ये जो लाइसेंस वाले हथियार हैं ये इनका जमा ना हो पाना भी कारण है कि बाद में वो प्रभावशाली लोग इनका प्रयोग करके और चुनाव में कोई ना कोई आतंक उत्पन्न कर देते हैं। और जो अवैध हथियार हैं उस पर नियंत्रण करना काफी कठिन है, किंतु मेरा ख्याल है पुलिस कोशिश करती ही होगी इसके लिए, और बेहतर कोशिश करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। एक बेहद ही अहम सवाल है, सवाल ये है कि आखिर सरकार इन घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है। इसकी वजहें हमने ढूंढने की इस पूरे आधे घंटे के दौरान कोशिश की। इसमें प्रशासनिक जो पहलू है वो सबसे अहम, चूंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की ही है, पुलिस प्रशासन की है, जो ये दावे करती है कि चुनाव के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी, इसके लिए पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है। लेकिन जो इंटेलिजेंस पुलिस का जो एक पार्ट है स्थानीय स्तर पर, उसको मजबूत करने की भी जरूरत है। जो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं उनको हाईलाइटेड कीजिए, उनको ध्यान दीजिए कि उन्होंने अपने असले अपने रिवॉल्वर्स और जो पिस्टल है क्या वो जमा नहीं कराइए। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, एक निगरानी तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। पहला चरण बीत गया लेकिन इसमें जो कमियां नजर आए, इसमें जो नाकामियां नजर आई, इस ओर ध्यान देने की भी खासा जरूरत सरकार को और प्रशासन दोनों को है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।